दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में एलजी साहब ने सारे कानूनों को रोक रखा है और उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, यहाँ की जनता को धोखा दे रही है। मोदी सरकार कोई कानून पास नहीं करने दे रही है जिससे कि देश और दिल्ली का नुकसान हो रहा है। एलजी साहब मोदी के इशारे पर मुझे परेशान कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें नहीं जिताया। उनका भाषण खुद सुन सकते हैं आप। जहां पे वहां के गवर्नर ने, जनता की चुनी हुई सरकार ने इतने कानून पास करे, गवर्नर कानून पे दस्तखत करने को तैयार नहीं। जो कानून जनता ने पास करे, जो कानून जनता की चुनी हुई सरकार ने पास करे, क्या एक आदमी उन कानूनों को रोक सकता है? जनता के हित के कानून, जनता के लिए बने कानून, क्या एक आदमी को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जनता की अभिलाषाओं को, जनता की कामनाओं को, जनता के कामों को रोक दे? ये तो जनतंत्र नहीं है। इसलिए तो हमारे लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। एक और राज्य, वहां पे वहां के मुख्यमंत्री ने गवर्नर को लिखा, हम फलानी तारीख को अपनी विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। जनता की सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है, वो जब मर्जी विधानसभा का सत्र बुलाएं। गवर्नर ने वापस लिखा, क्यों बुलाना चाहते हो, क्या काम है, क्या करोगे विधानसभा का सत्र बुला के? अरे वाह, विधानसभा का सत्र बुलाने में क्या गवर्नर पूछ सकता है सरकार से? क्या गवर्नर पूछ सकते हैं सरकार से क्यों बुलाना चाहते हो? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जी इसलिए बुलाना चाहते हैं। गवर्नर कहता है, मेरे को ये कारण मंजूर नहीं है, सत्र नहीं बुलाया जाएगा। ये जनतंत्र नहीं है, ये तो जनतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरह से एक व्यक्ति विशेष के अंदर जनतंत्र को गुलाम बना दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं, मैं पढ़ता हूं अखबारों के अंदर, जहां पे चुनी हुई सरकारों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बनाए और वहां के राज्यपालों ने वाइस चांसलर को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये क्या बात है? इसके लिए तो हमने अपने देश की आजादी नहीं ली थी, इसके लिए तो अपने सेनानियों ने कुर्बानी नहीं करी थी। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पे दिन ब दिन, डे टू डे बेसिस पे चुनी हुई सरकारों को तंग किया जाता है। तो आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे देश को ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जनतंत्र के ऊपर भी एक डार्क काला साया पड़ता जा रहा है, उसको कैसे निपटा जाए। पूरे देश को इसके बारे में सोचने की